अरे आ गए आप लोग। तो आज हम एक गेम खेलने वाले जिसमें हम लोगों को मिलेगा ढेर सारा पैसा, जिसमें कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और इस गेम का नाम है ट्रेडर लाइफ 2। और हम लोग खोलेंगे एक अपनी छोटी सी दुकान जिसको हम लोग बड़ा सा डीमार्ट बनाएंगे। बड़ा सा डीमार्ट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, पर ठीक है, चलिए गेम में जाते हैं। आइए देखते हैं, बैठ चल, मजा आएगा। तो इस गेम में क्या है, क्या ऐसा इस गेम में, न्यू गेम करते हैं लेट्स गो। मैंने कल थोड़ा सा ट्राई किया था कि इस गेम में करना क्या है, नहीं करना क्या है। इस गेम में आपको एक बिजनेस सेटअप करना है ना, जिसमें आपको प्रॉफिट कंटिन्यू होता रहे। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने एक बिजनेस खोल के छोड़ दिया और पैसे बन रहे, ऐसा नहीं होता। लेकिन तुमको स्टेप बाय स्टेप अपना एक दुकान खोलना है। हमारा घर है जहाँ पे हमको मिलता है एक बेड, आई थिंक। भाई सेंसी क्या है भाई, हाँ ये रहा, जहाँ पे हमको मिलता है एक बेड, बस इतना गरीब। ठीक है भाई, ये दुकान कैसे खोल रहा है भाई। एक बेड है, इसको बाथरूम बना दूंगा, ये डाइनिंग हॉल फॉल खाने वाने का। और हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, जिससे हम लोग जा जा के सामान उठा सकते हैं, सामान ले सकते हैं। तो लेट्स सी, पहले हम अपने दुकान में जाएंगे। मैप खोलने बोल रहे हैं, मैप खोलते हैं। मैप खोल के तुमको दिख रहा होगा, मैं ये मेरा हाउस है, ठीक है। यहाँ पे इसके पीछे की तरफ जाएंगे तो सामान मिलेगा, ठीक है। आगे जाएंगे तो मेरा स्टोर मिलेगा, मीट शॉप है, ये यूज्ड फर्नीचर। अब तुमको दिख रहा साइड में पूरा, तुम पढ़ के देख सकते हो क्या क्या है मैप में, है ना। अच्छा ये UI ठीक है, नॉट बैड। तो मेरे पास सिर्फ 350 रुपये, रुपए पकड़ते, डॉलर नहीं पकड़ते। डॉलर खेला भाई, नहीं गाना क्यों गा रहा हूँ। तो डॉलर नहीं पकड़ते, रुपए के हिसाब से ही पकड़ते कि 350 रुपये है मेरे पास सिर्फ अभी, ठीक है। गेट खोलते हैं, इसको उठाना पड़ेगा, इसको उठा के दुकान में रखो। अब दुकान में कहाँ रखे वो है मेन सवाल, एंट्रेंस में रखे कि यहाँ पे रखे। आई थिंक यहाँ पे रखता है, ठीक है। दुकान के सामने एंटर करते ही मेरा दुकान, ये दुकान कह रहा हूँ, दुकान में एंटर करते ही शेल्फ जहाँ पे सामान रखा जाएगा। अब इसमें क्या सामान है, टॉयलेट पेपर्स। अच्छा टॉयलेट पेपर्स, अच्छा एक बॉक्स है, ये भी, ये बॉक्स को उठाते पहले। इसको रखते हैं यहाँ पे, मैं बाद में स्टोरेज यूनिट में रखूंगा ये सारे सामान, ठीक है। टॉयलेट पेपर्स को रख देते सही जगह पे। वो रैप पेपर्स दे, रैप पेपर्स क्या ये बिकेंगे, मेरे को तो नहीं लगता रैप पेपर्स कोई खरीदेगा अभी। देखते हैं इसमें क्या सामान है, सीरियल्स। अच्छा इसमें तीन बॉक्सेस से निकाल नहीं सकते, क्योंकि निकालेंगे अगर फ्रिज वाला सामान हुआ तो खराब हो जाएगा, तो मेरे को फ्रिज खरीदना पड़ेगा, मेरे को एक वेजिटेबल का स्टोरेज खरीदना पड़ेगा। धीरे धीरे करके बढ़ेगा, एकदम प्रॉपर बिजनेस ऐसा बढ़ेगा। तो आज मेरा काम है बिजनेस सेटअप करना ढंग से। ये एम्प्लॉय बहुत कामचोर है रे, काम बहुत गंदा करता है। ये क्या है, फ्राइंग ऑयल, तेल जिसका दाम बहुत चल रहा है आजकल। इसको इधर रखते हैं, इसी के बाजू में इसको रोटेट कर सकते हैं सर आराम से। ओ भाई चलो, फ्राइंग ऑयल तीन पीस रख दें, हर चीज़ तीन तीन करके रख देंगे, ठीक है। देखते कौन सा बिका है, गम्स बहुत बिकते हैं ये मेरे को पता है। गम्स में यहाँ पे नहीं रखूँगा, गम्स में रखूँगा दुकान के सामने, यहाँ पे रखूँगा इस टेबल पे, क्योंकि बच्चा लोग आएंगा ना तो बच्चा लोग खरीदेंगे गम्स वगैरह ऐसे देख के। इसमें क्या है, गम्स है। इसमें क्या है, चिप्स। चिप्स को भी इधर रख, नहीं इधर सामान वगैरह, तो चिप्स भी रख देते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं। बाद में और शेल्फ खरीदेंगे, और शेल्फ लेके आएंगे आराम से। हो गया हो गया, इधर रखना मिल्क कुकीज। यार इन लोगों ने ओरियो के जगह मिल्क कुकीज नाम रख दिया भाई। चलो ये हो गया मेरा दुकान का स्टार्टिंग सेटअप, ठीक है, ये हो गया सेटअप। अब क्यू दबाने पे मेरा फ़ोन आता है, जहाँ पे मुझे सेल्स दिखता है कि मेरा सेल्स कितना हुआ है। फिर मेरे को देखिए कंप्लेन सी, क्या क्या सामान मेरे पास नहीं है और जो लोगों को चाहिए, ठीक है। क्लियर स्टेटस कि मेरे को सुसूस आया कि नहीं, भूख लगा कि नहीं, तो हेल्थ फूड सब सही है। अब क्या करेंगे, वो तो हो गया। अच्छा हाउ टू प्ले पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये हो गया, शुरू दुकान खुला है क्या,
हाँ कस्टमर आने लग गए गाइस, ये मेरा पहला कस्टमर है, देखते क्या खरीदता है। भाई साहब जल्दी आओ यार, ये कैसा कस्टमर है भाई। एकदम पैंट शर्ट पहन के आया, कुछ तो खरीदेगा अच्छा खासा। क्या खरीदा लौंडे ने? लौंडा एक फ्राइंग ऑयल खरीद के गया, क्या बात है क्या बात है। ऐसे खरीदते रहो, इन लोगों को खरीदने दो सामान, मैं थोड़ा और सामान जाके लेके आता हूँ। तो सामान लाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ पे, ये मेरा ग्रोसरी होलसेल मार्केट है जहाँ पे मैं खरीद सकता हूँ सामान। और ये गांव मतलब मैं गांव में छोटा मोटा दुकान खोल के रखा हूँ, ठीक है। अब जाते फुल एनएफएस के स्पीड में, ये बैंक के था पता, ये वाला जो है ये बैंक है, यहाँ पे मैं बाद में आके लोन लूँगा, लोन लेके ये फिर आते वक्त ही लोन ले लूँगा, क्या बोलते हो? एक बैंक अकाउंट खोलेंगे फिर लोन लेंगे। उससे क्या होगा ना कि मैं अपने एम्प्लॉय को थोड़ा ट्रेनिंग दूंगा जिससे कस्टमर तेज़ी से आए, है ना। मतलब बहुत स्लो काम करता है मेरा एम्प्लॉय, बहुत स्लो काम करता है एम्प्लॉय, बहुत ज़्यादा। चलो इधर सामान खरीदेंगे आके, लेट्स सी क्या क्या सामान लेंगे। पहले तो थोड़ा बहुत चावल लेना है, चावल हाई प्राइस है। देखो यहाँ पर नॉर्मल प्राइस है, करंट प्राइस दिखा रहा है, मतलब कि जिसमें सबसे कम प्राइस होगा वो मतलब अच्छा प्रॉफिट देगा मेरे को। चलो चाय पत्ते में प्रॉफिट दे रहा है मेरे को, चाय पत्ते लेते हैं। नट्स, नट्स तो लेना ही है भाई। ये क्या है? सोडा कैंस, हाँ सोडा कैंस वगैरह लेना पड़ेगा, दो सोडा कैंस के पैकेट लूँगा मैं, क्योंकि मेरे को भी प्यास लगता रहता है, तो प्यास बुझाने के लिए सोडा कैंस चाहिए। इसके लिए फ्रिज चाहिए क्या? हाई प्राइस है, मैंने हाई प्राइस वाला ले लिया यार। किश, टॉयलेट पेपर, टॉयलेट पेपर ले लिया, चलो नाइस। अब मैं इन सामान को मैं 10-12 सामान लेके जाऊंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि दुकान ना भरा हुआ रहेगा मस्त वाला एकदम, है ना। थम जाओ यहाँ, तो सारे सामान डाल दिए मैंने यहाँ पे। और क्या क्या चाहिए? टॉयलेट क्लीनर है, ये सब हाई प्राइस में चल रहा है यार। हेयर ऑयल, हाँ हेयर ऑयल लेंगे एक, ये सब। इसके लिए फ्रिज चाहिए, मिल्क वगैरह के लिए फ्रिज चाहिए, तो फ्रिज मेरे पास है नहीं अभी। एयर फ्रेशनर, प्राइस इज गुड, ठीक है। लेदर केयर भाई बहुत महंगा है, बहुत महंगा है भाई। अभी छोटे मोटे सामान ही वो करते हैं, क्या होता है महंगे सामान ही रखते हैं जिससे बहुत वो होगा। ये क्या है? क्लोथ सॉफ्टनर, इजी, ये इजी है, ठीक है। और भी सामान लेंगे, ये क्या है? जेली, जेली का प्राइस अच्छा, स्ट्रॉबेरी जेली अच्छा बिक रहा है। और क्या है? ये हाई प्राइस है इसका, चोको बाइट्स, अच्छा बेरी सीरियल, मतलब उसमें फ्रूट्स वाले हैं। तो बहुत सारे सामान ले लिया मैंने अभी, दुकान को ना अच्छा खासा भर देंगे। फिर सब्जी लाने जाएंगे, ठीक है, सब्जी मंडी जाएंगे सब्जी लाने। अभी सीधा जाएंगे दुकान अपना, जाते वक्त एक लोन लेंगे, ठीक है, छोटा मोटा। तो ये आ गए हम बैंक, बैंक में आके देखते हैं। अंकल जी बैंक अकाउंट खोल दीजिए। पहले को बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा आई थिंक। एक लोन रिक्वेस्ट है, बैंक कार्ड, कार्ड तो मेरे को भी चाहिए नहीं, एक छोटा मोटा लोन ही लेता है, ठीक है। तो मेरे को लोन मिला है 1000 रुपये का, ठीक है, जिसमें से 500 रुपये मैं अपने एम्प्लॉय के ट्रेनिंग में लगाऊंगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग करेगा ना तो ज़्यादा जल्दी कस्टमर लोग आएंगे और मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, नहीं तो कस्टमर लोग बहुत स्लो चलते हैं, स्लो। ये क्या हो गया? तभी मैं स्टोरेज में ही रखूँ क्या सामान? तभी सामान को, ये है मेरा स्टोरेज, ठीक है, दुकान का स्टोरेज। ये पीछे रखने के लिए जगह क्यों है वैसे? चलो सामान को इधर जचा देते हैं सही से। लोग कस्टमर्स अभी से कंप्लेन करने लग गए, डू डू करके आवाज़ आता है ना,
इसमें मतलब कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने सामान ढंग से, मतलब सारे सामान है नहीं दुकान में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सामान बढ़ेगा, कस्टमर्स भी बढ़ेंगे। चलो पहले ये गेट खोलते हैं। कंप्लेंट्स क्या क्या है देखते, क्या क्या खरीदा भाई। सीरियल्स बिक गए काफ़ी सारे, तो थोड़े और सीरियल्स लेकर रख देते हैं शेल्फ में। मैं क्या शेल्फ में नहीं रखूँगा ना तो वो बिकेंगे नहीं। अच्छा और एक चीज़ बिक गया है, कुछ तो खतरनाक वाला बिका है। चलो तो एक बार ना एम्प्लॉय की वो करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, तभी कस्टमर तेज़ी से आएंगे। गम्स बिक गए सारे, नहीं गम्स है अभी भी। रैप पेपर्स नहीं बिकेंगे। चिप्स बिक रहे काफ़ी सारे, हाँ चिप्स बिक रहे, चिप्स रख देते वापस से। और जो सामान लेके आए वो भी रखना पड़ेगा। ये क्लीनर, क्लीनर को रखते दुकान में। फ्राइंग ऑयल भी बिक रहा है काफ़ी सारे। सोडा बॉटल्स, ये थोड़े महंगे लिए मैंने फालतू के। हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करके रखेंगे, सारे नहीं निकालेंगे सामान। टी बिकेंगे अच्छे खासा। हेयर ऑयल बिकने के चांसेस अच्छे खासे हैं। चलो सोडा रख देते पहले इधर। ये दार्जिलिंग टी है क्या? नहीं रोज टी है। अच्छा हेयर ऑयल रखना है, हेयर ऑयल को ऊपर रखेंगे। हेयर ऑयल बिकेगा पता है, लोग बालों में तेल तो लगाते ही होंगे। एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, हाँ ये चाहिए। ये तीन पीस रखेंगे। ये अभी फ़िलहाल गांव बहुत गंदा होकर रखा है, तो रूम फ्रेशनर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चलो ये रख दिया मैंने यहाँ पे। वेजिटेबल्स वगैरह खरीद के लाएंगे, ठीक है। फ्रेशनर, हेयर ऑयल, सोडा कैन, टी। चलो यहाँ पे तो सारे सामान रख दिए मैंने, और कुछ यहाँ से रैप पेपर्स। यहाँ पे बिके रैप पेपर, रैप पेपर एक भी नहीं बिका। फ्राइंग ऑयल बिका है, फ्राइंग ऑयल चाहिए, हाँ फ्राइंग ऑयल बिका है। अभी कस्टमर से कंप्लेन देखेंगे कि कंप्लेंट्स में क्या क्या आया है, मतलब क्या क्या सामान चाहिए इनको। डिमांड और सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, देखते हैं कंप्लेंट्स में क्या क्या है। इनको चाहिए चिकन, लेटस, पीच, चिलीज, कैंड कॉर्न, राइस। राइस चाहिए, थोड़े बहुत गम्स रख देते, गम्स बिक गए अच्छे खासे। फिर थोड़े और सामान लेके आते हैं। पहले तो कुछ फर्नीचर्स खरीदने पड़ेंगे। अरे भाई इधर भी सामान पड़े, मैंने ये उठाया ही नहीं। ओ ये सामान भी रखना पड़ेगा। अरे ये मेरा स्टोरेज यूनिट है, भरना जाए पूरा। नट्स रखेंगे काफी सारे, स्ट्रॉबेरी जेली। टिश्यू बिकेगा अच्छा खासा। टिश्यूज भी रख दिए, लोग तो खतरनाक आ रहे हैं भाई। थोड़े और सामान लेके आते हैं। अब जाएंगे एक शेल्फ लाने के लिए, क्या बोलते हो, रुको देखते क्या क्या खरीद सकता हूँ मैं। सब्जियाँ रखना पड़ेगा, सब्जी ज़रूरी है, सब्जियाँ इंपॉर्टेंट है। तो पहले फर्नीचर स्टोर जाए कि कहाँ जाए बताओ? आई थिंक पहले फर्नीचर स्टोर जाता है। लेट्स गो फर्नीचर स्टोर। ये छोड़ दो, सब्जी ऐसे ही ला कर रख देते हैं, देखते क्या क्या सब्जी बिकता है पहले। तो दुकान
तो ये सब्जी का मंडी है, देखते क्या क्या सब्जी है इनके पास। प्याज, प्याज इज गुड प्राइस, लेके जाते हैं। टमाटर हाई प्राइस चल रहा है इधर भी। ये क्या है, कैबेज नहीं चाहिए, आलू, आलू चाहिए, फ्रूट्स वगैरह रखेंगे, ये हाई प्राइस है। ये कॉलीफ्लावर लेके जाएंगे, चिलीज, चिलीज चाहिए, क्यूकम्बर नहीं चाहिए, लेटोस मांग रहे लोग, लेकिन लेटोस का प्राइस बहुत हाई है तो डिमांड भी हाई होगा, क्या लगता है। एक तरबूज लेके जाता है भाई, तरबूज बहुत महंगा है। ऑरेंजेस लेंगे, हाँ ये सामान जचा देते हैं सही से। एप्पल हाई प्राइस है, मेलन्स के प्राइस ठीक है, पर मेलन्स कोई खरीदेगा वो मेन बात है। पीच इज गुड प्राइस, प्रॉफिट होगा। केले बहुत महंगे बिक रहे हैं, सामान इधर से ले लिया। मीट वगैरह मैं भी रख नहीं सकता क्योंकि मेरे पे फ्रिज नहीं है, मेरे को फ्रिज खरीदना पड़ेगा मीट वगैरह रखने के लिए। फिलहाल थोड़े बहुत सब्जियां ही मैं निकालूंगा, सारे सब्जी नहीं निकालूंगा। वेजिटेबल्स की काफ़ी डिमांड है, ऑरेंजेस रखते हैं दो, पीच रखते हैं दो। सब्जी को अलग रैक खरीदना पड़ेगा मेरे को, जाके खरीदूंगा अभी थोड़ी देर में। ऑरेंजेस क्या सामान बिक रहे अभी, अच्छा हेयर ऑयल बिक रहा है अच्छा खासा। कॉलीफ्लावर लेंगे थोड़े बहुत, ऑनियन रखेंगे, ऑनियन बिकते हैं अच्छा खासा। टी बिका है लगता है एक, चिलीज रखेंगे, चिलीज बिकेंगे भाई। वैसे बाहर के जगहों में चिलीज खाते नहीं इतना, फिर भी क्या मैं एक और एम्प्लॉय हायर कर सकता हूँ, मेन सवाल वो है। एक और एम्प्लॉय हायर करना है। सोडा कैंस बिकने लग गए अच्छे खास से, गम्स बिक गए, गम्स रखते गाइस। गम्स बिक रहे हैं, मिल्क कुकीज, मिल्क कुकीज बिके है क्या, हाँ मिल्क कुकीज बिके है, तीन रखा था दो बिक गए। लो ये तो बिक गया। देखिए कस्टमर कंप्लेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, चिली चाहिए इनको, फ्रूट आइसक्रीम चाहिए, टमाटर चाहिए, टमाटर बहुत महंगे भाई साहब, नहीं रख सकते यार, बहुत ज़्यादा महंगे यार, क्या करें, हम गरीब शॉप वाले हैं, गरीब शॉप वाले। बीबी सीरियल, हाँ सीरियल लेके जाता है। ऐसे रखेंगे जगह ज्यादा होगा क्या, नट्स आई थिंक बिके नहीं है एक भी, ये नट्स बिक गए सारे यार, वाओ पीपल बाइंग लॉट ऑफ नट्स।
थोड़ा कैन थोड़े बहुत लगा के रखेंगे। थोड़ा का इधर ही रख देता है। काफी सारे लोग अभी आ रहे, कुछ डिमांड कर रहे हैं, शायद उनको मिल नहीं रहा वो सारा सामान, पता नहीं क्या है वो चीज़ है। जो कोई नहीं, रात होने वाला है फटैक्स से, मैं जाके ना एक शेल्फ लेके आता हूँ फटैक्स से जाके। ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे, लायबिलिटी हो जाएगा बुरा मेरे लिए। थोड़ा बहुत कस्टमर के डिमांड भी देखेंगे, यहाँ से आके ना सामान लेके जाएंगे। तो ये है फर्नीचर स्टोर जहाँ पे फर्नीचर मिलते हैं। मेरे को एक वेजिटेबल रैक चाहिए भाई, $500 का है भाई। छोटा वाला लेते हैं, हाँ छोटा वाला लेते हैं। एक और शेल्फ चाहिए, छोटा शेल्फ नहीं है कोई? ये क्या है, ये वाला शेल्फ अच्छा है। चलो दो शेल्फ मैंने ले लिए। अच्छा खर्चा हुआ है अच्छा खासा। रात होने वाला, दिन खत्म होने वाला है अपना। तो ये दुकान नहीं है, अच्छा अच्छा आगे दुकान है। ये है दुकान जहाँ से सामान लेंगे। तो देखते कस्टमर के कंप्लेंट्स में क्या क्या सामान है। चीज़ माइल्ड, पीनट बटर, ओके। तो पहले देखते पीनट बटर कहाँ पे। डॉग फूड है, कैंड कॉर्न, गम, नट्स है। चीज़ कहाँ मिलेगा मेरे को यार। सैंड केक, बिस्किट, ओट फ्लेक्स नहीं चाहिए। हाँ ओ भाई पीनट बटर एक्सपेंसिव है काफ़ी ज़्यादा रे। चीज़ माइल्ड ये डिमांड में है। चलो सामान भी ले लिया, गाड़ी घुमा के जाते हैं सीधा अपने दुकान में। फटैक से हो गया रात। दुकान पूरा सेटअप करेंगे फिर ही जाके मैं जाके सो जाऊंगा। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के बाद लोग अच्छे खासे आ रहे दुकान में, ये तो है भाई। रात के टाइम ही गलत चला रहा हूँ मैं गाड़ी। एम्प्लॉय मेरा गया है सोने अभी। ये हाई डिमांड सामान है, शेल्फ को रख देते सही से कहीं पे, इसके बाजू में। तभी कोई एम्प्लॉय है नहीं मेरे यहाँ पे काम करने वाले। सब्जी को इधर रखेंगे, फ्रेश हवा आता रहेगा है ना। मतलब पीनट बटर लेके आ गया मैं, चीज़ भी लेके आ गया। एक समय दो दो पीनट बटर लिया गया। ओ मैंने दो पैकेट लिया पीनट बटर के, शे। चलो पहले चीज़ रखते हैं। पीनट बटर चलो दुकान सजा देते हैं। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट दुकान का सेटअप जहाँ पे लोग आएंगे सामान खरीदेंगे। इसमें क्या है, रैप पेपर्स अभी तक बिके है क्या? एक ही रैप पेपर बिका है, इसका इतना डिमांड है नहीं रैप पेपर्स का। फिर भी रख देते हैं, सामान ख़राब तो नहीं होगा। अब करते हैं दुकान को बंद। ये हो गया दुकान बंद आज के लिए और मैं जाऊंगा अपने घर।
भाई मेरा प्यारा दुकान। पटाख से अपने घर में सो जाते हैं। आज के हिसाब से सेटअप अच्छा गया है दुकान का। एम्प्लॉयज आ रहे हैं, एम्प्लॉयज कह रहा हूँ, कस्टमर्स आ रहे हैं। तो रात का हो गया समय, इट्स स्लीपिंग टाइम। चलो तो आज के लिए मैंने दुकान को किया सेटअप, आगे जाके देखेंगे क्या होता है नहीं होता है, है ना। कल जाके देखेंगे कितने सेल हो रहे, कितने वो हो रहा है नहीं हो रहा है। सेल वगैरह होना चाहिए अच्छा खासा, सामान तो काफ़ी लेके आया मैं। तो इस दुकान को मिलके हम लोग अच्छा खासा यू नो एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाएंगे अच्छे खासे। एक सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगा इसका। तब तक के लिए बाय।